कंपनी प्रबंधन को, तो उन्होंने इनका सैलरी तो रिलीज़ कर दिया, कुछ 2-4 हज़ार बढ़ा कर भी दिया, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया, वो चीज़ इन्होंने उनको बाहर का रास्ता धीरे धीरे करके दिखा दिया। पहले 6 बंदों को नोटिस दिया, फिर बाद में 60-65 लोगों को बात की, लेकिन कुछ लोग उसमें वापस चले गए और कुछ लोग जो सच्चे पक्के तरीके से काम कर रहे थे वो अभी भी धरना स्थल पर बैठे हुए थे। लोग चालीस लोग हैं। 6 बंदों को कल इन्होंने नोटिस भी जारी किया हुआ, जो आज कुछ लोगों के पास पहुंचा, कुछ के पास नहीं पहुंचा। हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि भाई देखो, इन्होंने काम करना है, 8 से 6 काम कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, और हम कोई इस तरीके का हमारा कोई वो नहीं है कि आपके, क्योंकि NH यहाँ पर बन रहा है बढ़िया तरीके से, और 2 साल का काम हो चुका है और 6 महीने साल का काम रहा हुआ है। तो मैं कहा आप इस तरीके से मत करो, अगर इनमें से कोई गलत काम करता है तो आप हमें बताएं, आप अपने स्थानीय नेताओं को बता सकते हैं, और अगर ऐसी कोई बात आती है तो उन्हें जो भी गलत करेगा उसको बाहर, लेकिन जो सही प्रकार से काम कर रहा है उसको आप कृपया करके बाहर मत रखें, क्योंकि ये सबके रोजी रोटी का सवाल है। और आपको पता ही है, जैसे आपका लोकल निकाले जी, जब काम नहीं होगा ना सर तब हम भी तैयार है जाने को, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सर बैठे ही 10 दिन 10 दिन से हम 10 दिन से बैठे थे, कोई पूछने नहीं आया सर, 10 दिन से बैठे सर हम यहाँ पे, कोई भी नहीं आया सर, प्रशासन नहीं आया, एसडीएम तक सर आए हैं, हमारा सर कोई ऐसा नहीं आया देखने तक नहीं। हम तो ये चाह रहे थे कि स्थानीय एसडीएम साहब भी यहाँ आके बातचीत करते, और हमारे को खुशी है कि आज आप इस यहाँ पर आए हैं, आप सबसे मिल रहे हैं, और हमारे को उम्मीद भी है कि आप इनसे बातचीत कर, क्योंकि सर कोई भी इशू नहीं है ऐसा, सिर्फ ईगो प्रॉब्लम के कारण ये सारी चीज़ चली हुई है। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि भाई यूनियन का निर्माण, अच्छा चलो वो तो श्रम कानूनों के, श्रम कानून के बारे में यूनियन तो बड़े स्तर पर चलती है, जहाँ 5-5-10 साल का प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ जी सर, यूनियनबाजी नहीं करनी चाहिए जी, वो नहीं करेंगे, नहीं तो वो नहीं जी जी सर, आप इस एंगल से देखते हो, देखो प्रश्न ये है कि आप अपना काम 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 हम तैयार है सर, अपना काम करो, साइज से काम करो, अपना काम करो जी जी, ईमानदारी से काम करो जी सर। सर वो हमारा इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि 2-2.5 साल से हमने तो इसमें इंटरफेयर भी नहीं किया हुआ था, हम ही चाह रहे थे कि NH-15 अच्छे तरीके से, हमारे को क्या इंटरफेयर करना है, आप भी लगे हुए हैं। नहीं सर, मैं तो जिला कैसीटू का अध्यक्ष हूँ ना जी, इन्होंने फिर मैं हूँ इनका भांजा भी उछलाई वालों का, इन्होंने कहा कि यार आप भी हमारी थोड़ी मदद करें, तो इसलिए मदद के तौर पर हम लोग इनके साथ हैं। बाकी तो सर 5-6 महीने का काम रहा है, यहाँ क्या यूनियन और क्या इस प्रकार क्यों है, लेकिन हाँ जो राइट्स हैं वो आपको 8-10 हज़ार जैसे ड्राइवर्स का 18-1 हज़ार दे रहे थे, बनता थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन हमारे को वो भी नहीं था, हमने फिर किनको एक कहा, उन्होंने 3-4 हज़ार बढ़ा भी दिया, और जो 10 हज़ार ले रहा था उसका 12 हज़ार कर भी दिया, लेकिन हुआ कि अल्टीमेटली इन्होंने बढ़ाने के बाद 1 महीने के बाद इन्होंने इनको निकालने का प्रोसेस शुरू कर दिया। हमने कहा जब आपने आपसी सब कुछ हो चुका था तो आपने बाहर का रास्ता